उसी तरह काम आएंगे। बल्कि हदीस मुबारक में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, बड़ी काबिल गौर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला कुछ लोगों के बारे में फैसला फरमाएगा कि अदखिलूहुम फिल जन्नत, इनको जन्नत में दाखिल कर दो। जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारी ताला, दुनिया में हमारे साथ कुछ ऐसे लोग थे, जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, ये जो जमात का ताल्लुक है, देखें कि कितना फायदेमंद है। अर्ज करेंगे, युसल्लू नमाना, हमारे साथ वो नमाज पढ़ते थे, युहज्जू नमाना, हमारे साथ हज करते थे, यस्कुरू नमाना, हमारे साथ जिक्र करते थे, यस्तगफिरू नमाना, हमारे साथ मिलके अस्तगफार करते थे, माफी मांगते थे, उनको तूने दोज़ख में डाल दिया है, हम उनके दुनिया में नेकी के दोस्त, भलाई और खैरखाई के दोस्त, या अल्लाह जिस तरह हमारा दुनिया में वो नेकी का ताल्लुक था, या अल्लाह वही ताल्लुक यहां भी बहाल कर दे, ताकि जिस तरह दुनिया में हम इकट्ठे रहा करते थे, ऐसे तेरी जन्नत में भी इकट्ठे रहे, हमारे लिए वो ताल्लुक बहाल कर दे। अब देखिए अल्लाह पाक क्या फरमा, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला दोज़ख की आग को बुझाएगा, दोज़ख की आग को बुझाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा अदखिलूहुम मन अरफ़्तुम, कि मैंने दोज़ख की आग को बुझा दिया, अब तुम दोज़ख में झांको और जिस जिस अपने साथ नेकी रखने वाले को पहचानते हो उसको दोज़ख से निकालकर अपने साथ जन्नत में ले जाओ। ये तकवे की सोबत और तकवे की सिद्ध, इसलिए जब कोई नेकी का काम इज्तिमाई तौर पर किया जाता है और करना भी चाहिए, नमाज हो, कुरान हो, जिक्र हो, दर्स हो, सदका हो, खैरात हो, इज्तिमाई काम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर फरमाए, उनका सबसे बढ़कर फायदा ये होता है कि उस पूरे इज्तिमा में से अगर एक की भी कबूल हो गई तो अल्लाह उसके सब के सबकी कबूल फरमा, इज्तमाई इबादत का ये फायदा होता है, ठीक है। इसलिए इस्लाम ने जो है नमाज का जमात की ताकीद फरमाई, जुमा की ताकीद फरमाई, ईद की नमाज की ताकीद फरमाई, बाकी सदकातों खैरात में नफिल इबादात में इज्तमाईयत का दर्स दिया, और इस्लाम जो है वो भी इज्तमाईयत का कायम है। आज हमारे यहाँ जो इज्तमाईयत है वो नामे के बराबर है, हमारी नाकामियों की एक वजह यह भी है, हम कई टुकड़ों में बट गए, चाहे मजहब के एतबार से देख लें, सियासत के एतबार से देख लें, माशरती एतबार से देख लें, खानदानी एतबार से देख लें, यानी कई टुकड़ों में बट गए। और जब हम अपने आप को मुत्तहिद नहीं कर पाएंगे और किसी एक प्लेटफॉर्म पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ने वाले वो जमा नहीं होंगे, तब तक ये नाकामियां इसी तरह हमें जो है देखनी पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल-हय्युल क्यूम, आयत अल-कुर्सी वाली आयत, बड़ी आपने गौर की आयत मुबारक है, ये पूरी आयत अल-कुर्सी जो है एक आयत है, पूरी आयत अल-कुर्सी एक आयत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला की अजीम आयतों में से, अल्लाह ताला की अजीम जो है कलाम पाक की तिलावतों में से अजीम तिलावत और आयत कौन सी है, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की अजीम आयतों में से आयतुल कुर्सी जो है वो अजीम आयत है। कितना बड़ा फायदा है इसका, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है और इस अमल पे कैद रहता है, इस अमल पे कैद रहता है, हजूर फरमाते हैं कि सिवाय मौत के उससे कोई चीज जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोक सकता। इसका सादा मतलब क्या है कि जो बंदा फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता रहता है और इस पे कायम रहता है, अगर उसको मौत आ जाती है तो वो बराह रास्त अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाता है। और फिर आयतुल कुर्सी को
कई तरीकों से जो है वजीफे में रखा गया। एक तो आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो ताला लगाते हुए ऐतल कुर्सी पढ़ के ताला लगाया गया, और ऐतल कुर्सी पढ़ के ताला लगा के जाना वो गोया अपने घर को अल्लाह उसके रसूल के सुपुर्द करने के बराबर, और जो चीज अल्लाह रसूल के सुपुर्द हो जाए वो फिर नुकसान वाली नहीं होती, उसमें फायदे ही होता है। और इसकी भी दलील है हदीस मुबारका के, जब हजरत सल्लम के पास एक मर्तबा खदीमतों का माल आया तो हजरत सल्लम ने हजरत अबू हुरैरा की बिनती लगाई कि अय अबू हुरैरा तुमने आज इस माल पे पहरा देना है, ये हम सुबह बांटेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रात के आखिरी पहर में एक आने वाला आया और उसने उस माल में से जो है कुछ माल लिया और भागने लगा, मैंने उसको पकड़ लिया, उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मजबूर था, मैं ईमानदार हूँ, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, आप मुझे छोड़ दें। आप फरमाते हैं मुझे तरस आया, मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह तआला ने फरमाया जब दूसरे दिन हजूर की बारगाह में पहुंचे ना तो हजूर सल्लम को भी बताया नहीं, हजूर सल्लम ने खुद पूछ लिया, फरमाया अबू हुरैरा वो रात वाले कैदी का क्या बना, रात वाले यानी आपके अंदर एक प्यारे नबी के इल्म का आलम देखे। हजूर ने फरमाया अबू हुरैरा बताओ रात वाले कैदी का क्या बना, तो हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह उसने ऐसे ऐसे बच्चों के वास्ते डाले मैंने उसको छोड़ दिया। हजूर ने फरमाया आज फिर आएगा ख्याल करना, फरमाया आज फिर आएगा ख्याल करना। उसी तरह दूसरी रात फिर वो आया, माल चुराया, भागने लगा, तो हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुझे रसूल की बारगाह में लेके जाऊंगा। उसने फिर वास्ते दिए, मिन्नतें की, हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। फिर हजूर की बारगाह में पहुंचे, आका ने पूछा बताओ रात वाले कैदी का क्या बना, तो आपने फिर बता दिया कि उसने वास्ते दिए, मैंने छोड़ दिया। हजूर ने फरमाया आज फिर आएगा ख्याल करना। अब जब तीसरी मरतबा आया तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने उसको जबरदस्ती पकड़ लिया और मैंने कहा कि अब तेरा फैसला रसूल की बारगाह में होगा, तो वो मुझे कहने लगा मैं तुझे ऐसी बात बताता हूँ वो पढ़ लिया कर, तेरा माल चोरी नहीं होगा और मुझे छोड़ दे। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि बता क्या बात है, तो उसने बताया कि ऐतल कुर्सी पढ़ के अपने माल के पास सो जाया कर, तेरा माल नुकसान से भी बचा रहेगा और चोर से भी बचा रहेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उसने ऐतल कुर्सी बताई तो मैंने भी उसको छोड़ दिया, और मैंने जब हजूर की बारगाह में जाके अर्ज किया तो आपने फरमाया ऐ अबू हुरैरा वो है तो झूठा है तो शैतान, लेकिन ये जो तुझे ऐतल कुर्सी वाली बात बता दी ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। फरमाया जब भी ये पढ़ी जाए तो वो माल अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, तो इसलिए ऐतल कुर्सी को वजीफे में रखा करें, सुबह शाम पढ़ा करें, इंसान खुद भी अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, उसका माल भी अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और एक इस हवाले से भी आपकी रहनुमाई कर दूं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी बंदे पे अगर बद नजरी के असरात हैं, नजर के असरात हैं, या किसी बंदे पे जादू के असरात हैं, या कोई ऐसा बंदा होता है कि जो रोजाना की बुनियाद पर सफर करता रहता है, यानी आम जगहों पे भी आता जाता है, बाहरी जगहों पे भी आता जाता है, नई पुरानी जगहों पे आता जाते हैं, उसको खदशा रहता है कि यार यहाँ पे कोई हवाई चीजें हैं, कोई जिन्नात हैं और आवाजें आती हैं वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह का अगर किसी को कोई शक शुबा हो और वो इन चीजों से बचना चाहे तो उसका ये तरीका है कि ऐतल कुर्सी का हिसाब दिया करे अपने आप को, ऐतल कुर्सी के कड़े में रखा करे अपने आप को। ऐतल कुर्सी के कड़े का ये मतलब है कि तीन मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़ के अपने सामने फूंक मारा करे, तीन मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़ के अपने दाएं फूंक मारे, तीन मरतबा पढ़ के अपने बाएं फूंक मारे, तीन मरतबा पढ़ के नीचे, तीन मरतबा पढ़ के ऊपर और एंड पे तीन मरतबा पढ़ के पीछे, यानी ये 18 मरतबा टोटल बनेगी, तीन मरतबा सामने दाएं बाएं नीचे ऊपर और पीछे। ये जो बंदा ऐतल कुर्सी के हसार में अपने आप को रख लेता है वो नजर से भी बचा रहता है, जादू से भी बचा रहता है और किसी शरीर के शर और दुश्मन की दुश्मनी से भी बचा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये ऐतल कुर्सी का, इसलिए ये एक बड़ा खास वजीफा है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल हय्यु अल कय्यूम व
वो जिंदा है, जिंदा रखने वाला है, कायम है और कायम रखने वाला है। ला तक़ुल सीनतु वला नूम, ना उसको ऊंघ आती है ना उसको नींद आती है, ठीक है। वो हर लम्हा जागता रहता है, वो अपनी मखलूक को नवाजता रहता है, उसका दरवाजा एक लम्हे के लिए बंद नहीं होता। सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए, सारे बादशाह देख के थक हार के सो जाए, लेकिन वो कायनात का बादशाह जो है हर वक्त जागता रहता है। जब भी उसका बंदा उसके दर पे आता है, वो जानता है अपने बंदे की, सुनता भी और कबूल भी करता है। बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा यही सवाल किया ना कि या अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम जो है ना अपने एक हाथ में जैतून ले लो और एक हाथ में जो है अपना पानी ले लो और फला जगह पे आ लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है एक हाथ में तेल लिया और एक हाथ में पानी लिया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन दोनों शीशियों को अपने हाथ में लेकर खड़े रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ देर खड़े हुए, उनको नींद आई तो वो दोनों शीशियां गिर के टूट गई। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा तुझे नींद आ गई, ये दो शीशियां नहीं संभाल सके, अगर बहस हो गया तो कैनात कौन संभालेगा, ठीक है। मैं तो जागता रहता हूँ कि मैंने कैनात के निजाम को चलाना है, मैंने कैनात में जो है अपनी मखलूक को आबाद किया है, वो कितना करीब है हमें सुना देता है और खुद जानता रहता है। हमें जो है वो सोने की आदत अता फरमाई, सोने की सिफत अता फरमाई, ठीक है। ये नींद का आ जाना भी बड़ी नेमत होती है ना। कई ऐसे मरीज मैंने देखे हैं, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता करे, कि उनको नींद ना आने की बीमारी होती है, कई के दिन वो सोते नहीं, और उसका भी नतीजा ये निकलता है कि दिमागी तौर पर ज़हनी तौर पर जो है वो जलून का शिकार हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह की यह शान है कि वो सोता भी नहीं है, उसको ऊंघ भी नहीं आती। फरमाया लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज, कौन उसी के लिए है सारे आसमान, उसी के लिए सारी जमीनें, इनका मालिक वही है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही ही, कौन है जो उसकी बारगाह में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे। ये अहले ईमान की शफाअत कैसे होगी? अल्लाह की इजाजत के साथ। अल्लाह रसूल को इजाजत देगा, अल्लाह अपने वलियों को देगा, उलमा को देगा, जिन जिन को भी अल्लाह ये एजाज बख्शेगा, वो जिसके लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह फिर उनकी कबूल फरमाएगा। जिस तरह के हदीस मुबारक में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कयामत का दिन होगा मैं अल्लाह की बारगाह में जो है सजदा रेज होगा, सजदे में पड़ा रहूंगा, अल्लाह मुझे फरमाएगा इफा रसा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, इश्फा तुश्फा, अरे मेरे नबी के तुम जो है सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं कि मैं जिस जिस के लिए सिफारिश करूंगा अल्लाह ताला उसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमाएगा, ठीक है। ये भीख मांगा भी करें और कोशिश किया करें कि हम इस लायक बन जाए कि हुजूर की निगाह करम हम पे हो जाए, इस लायक बन जाए कि हुजूर की शफाअत के हकदार बन जाए। अल्लाह पिछले भी सब कुछ जानता है और जो बाद में वो भी सब कुछ जानता है। उसके इल्म से कोई चीज जो है वो छुपी हुई नहीं है। वासिया कुर्सी अस्समावात वल अर्ध, अल्लाह की कुर्सी जमीन और आसमान से बढ़कर है। ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और वो उसकी हिफाजत से बेखबर नहीं है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह ताला बहुत बुलंद है और बहुत अज़मत वाला है। अल्लाह के हुज़ूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला आज के दरस कुरान से खास तौर पर दो बातें, कि मरने से पहले अल्लाह ताला हमें अपनी राह में दिए हुए रिस्क में से खर्च करने की सआदत अता फरमाए, और अल्लाह ताला मरते दम तक ऐतल कुर्सी का वजीफा जो है वो करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की दुआ में ये नई भाई के लिए भी दुआ करनी है, ये काफ़ी दिनों से बीमार है और ये हमारे बड़े माशाल्लाह भरे साथी भी हैं कि ये जो दर्स होता है ये आगे कई सैकड़ों लोगों तक जो है ये डिलीवर करते हैं, और बगैर किसी मुआवजे के और बगैर किसी लालच के अल्लाह ताला इनकी ये खिदमत कबूल भी फरमाए और नसीहत देता। आमीन अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
से कुरान की बात कर गरिया नसीब हुई अल्लाह सब की तरफ से कबूल फरमा इनके सब के या अल्लाह मेरा जुमला मरीज मुसलमानों के लिए और मेरे खसूस में वो मरीज साहब के लिए दुआ हुई अल्लाह इन शिफा की नाजला को फरमा जो हमारे मुसलमान घरों में अस्पतालों में जेर इलाज है या अल्लाह सब को शिफा अता फरमा या अल्लाह अपने गैब के खजानों से हर मुसलमान की मदद फरमा ज़ाहिरी बातिनी ज़मीनी आसमानी बली अतराफात से महफूज फरमा अरबियत से औलाद वसी व तमाम बिल खैर व बिकर इस्ताईन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन